दोस्तों, हमारा स्मार्ट टेलीविजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन। आप देख रहे हो स्मार्ट टेलीविजन। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरा स्मार्ट टेलीविजन चैनल पे। तो दोस्तों चलिए, आज लेके आया हूँ मैं भी लेनोवो के 8 नोट मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत है, चार्जिंग में लगाने का बाद में हीट हो जाते हैं, यूज़ करते वक्त हीट हो जाते हैं, बहुत बेकार सा फ़ोन है। तो इसके लिए थोड़ा एक तीन चीज़ है जो आप लोग फॉलो करें तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है आप लोगों का। तो आज मैं बताऊंगा वो क्या तीन चीज़ है, सेटिंग में जाके आप लोग करें तो शायद थोड़ा सा मदद मिल जाए आप लोगों को, थोड़ा सा हीटिंग से बच सकते हो आप लोग। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, ताकि आप लोग भी पूरा समझ जाएंगे क्या है सेटिंग। तो देखते रहिएगा, मैं सेटिंग ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है, क्या करना है। मैं तीन चीज़ बताऊँगा आप लोगों को। तो सेटिंग ऑन कर लीजिए पहले। सेटिंग ऑन करने का बाद में पहले आप चले जाइए नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख रहे हो नोटिफिकेशन में चले जाइए। नोटिफिकेशन ऑन करने का बाद में ये ऊपर थ्री डॉट देख रहे हो, थ्री डॉट पे जाना है, जाके रीसेट एप्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने का बाद में यहाँ पे फिर रीसेट एप्स में क्लिक कर दीजिए। आप लोग डालिएगा मत, आपका एप्स का कुछ भी नहीं होगा, पूरा वो जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया नोटिफिकेशन का। बाद में दूसरा नंबर है एप्स, तो ये एप्स में आप लोग आ जाइएगा। एप्स में आने का बाद में ओपन करने का बाद में सेम ऐसा ही करना है, उसमें जैसे किया रीसेट एप्स पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में फिर रीसेट एप्स में क्लिक करना है आप लोगों को। तो क्लिक करने के बाद में ये दोनों जितना आए एप्स है आपका वो बैकग्राउंड में चलना बंद हो जाएगा। तो आप जब ओपन करेंगे तब तो भी ये यूज़ होगा, चलेगा, इससे पहले नहीं चलता। तो तीसरा चीज़ है ये स्टोर पे आ जाइएगा आप लोग। स्टोर ऑन करने का बाद में बहुत स्लो है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये स्टोर्स पे आने का बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा, क्रिस्ट डाटा। तो डाटा पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने का बाद में यहाँ पे देख लीजिए आया क्लियर क्रिस्ट डाटा। तो यहाँ पे ओके कर लीजिएगा। ओके करने का बाद में आपका बैकग्राउंड में जितना मेमोरी में है, जितना ये आपका कुछ वायरस वायरस रहे तो जितना वायरस रहेगा ऐप्स का, कुछ गाना डाउनलोड किया डाउनलोड नहीं हुआ, वायरस हो गया, तो वो जितना वायरस है पूरा चला जाएगा आपका फ़ोन में से। तो ये तीन चीज़ करें तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है, प्रॉब्लम से आप लोग बच सकते हो, और चार्जिंग भी थोड़ा फास्ट होगा, पहले से बहुत फास्ट चार्जिंग होगा आप लोग का मोबाइल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक है, इतना तक थोड़ा सा लेके आया था लेनोवो के 8 का बारे में, तो इतना आप लोगों को बता दिया हूँ। तो वीडियो खत्म करता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग को अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो या पाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ सके और मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल सके यार, आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।